नमस्कार दोस्तों, ये देखिए कलांचो का प्लांट है। कितनी सारी कलियां आई हुई हैं इसमें और सब जो है कि अब खिलने पर हैं। कुछ तो खिल भी गई हैं, चार पांच खिली हुई हैं, बाकी सब कलियां अभी सब खिलने वाली हैं। और कलांचो एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इजी टू ग्रो है। कलांचो को दो तरह से जो कि ग्रो कर सकते हैं, एक तो कटिंग से, इसकी जो ये ब्रांचेज होती है ना, ये अभी तो इसमें कली है, मैंने ग्रो किया हुआ है, यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर लगाते हैं। दूसरे पत्तियों से, देखिए मैंने पत्ती से भी ग्रो किया हुआ है यहाँ पे और दो मैंने कटिंग लगाई थी, एक ये और एक ये कटिंग है, ये दोनों ही लग चुकी है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी कटिंग जो है कि कितनी लगी हुई है, कहाँ तक लग पाई है। बहुत ही धीरे से निकालना है, इसकी जड़ें जो कि अंदर तक है, दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जड़ें दिख रही हैं, इसमें इतनी मिट्टी भी लगी हुई है और देखिए ये शायद दिख रही है हल्की हल्की। और मैं दूसरी वाली भी निकाल के दिखाती हूँ इसको, ये देखिए इसकी भी इतनी सारी जड़ें आई हुई हैं इसमें इतनी। अब मैं इसको जो है कि दूसरे पॉट में लगाती हूँ। ये कटिंग तो ग्रो हो गई है लेकिन ये पौधा इसमें बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें इतना बड़ा पौधा ऑलरेडी लगा हुआ है और पहले से ही, क्योंकि इसका मिट्टी का सारा पोषण ये पौधा ले लेगा तो इन छोटे पौधों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको पोषण देने के लिए, बड़ा करने के लिए ये जरूरी है कि मैं इसको दूसरे गमले में लगा दूं। और ये देखिए इसको भी मैंने निकाल लिया और ये जो पत्ती से मैंने ग्रो किया ना, इसको भी मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या है, कितना लगा है कितना नहीं। ये देखिए इतनी सारी जड़ें इसकी भी आ गई हैं, पत्ती से भी देखिए काफी अच्छा ये ग्रो हो चुका है। बस इसकी ब्रांचेज नहीं आई हैं, पत्ती से ग्रो करने में यही होता है कि जड़ें तो आ जाती है लेकिन ब्रांचेज आने में टाइम लगता है और ब्रांचेज भी आ ही जाएंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जड़ें बन चुकी हैं इसकी। तो इसको भी मैं लगा दूंगी एक साथ ही इन दोनों के, या फिर इसको मैं पत्ती को अभी इसी में लगा रहने देती हूँ, जब इसकी ब्रांचेज आ जाएंगी फिर इसको मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। अभी क्योंकि इसके लिए जरूरी है इसके इसी मिट्टी में लगे रहना तो मैं इसको इसी में लगा देती हूँ, इसको मैं भी कहीं और नहीं लगाऊंगी। ये अच्छे से पहले बढ़ जाए, इसकी ब्रांचेस वगैरह आ जाए फिर। इन दो छोटे कलांचों के लिए मैंने दो छोटे पॉट लिए हुए हैं और इसके सॉइल मिक्सर में गोबर की खाद है, मिट्टी है और ये देखिए राई सक्स है थोड़ा सा और इसमें जो है कि थोड़ी सी बजरी है। इससे क्या होगा कि पौधा जल्दी ग्रो होगा और तेजी से हेल्दी भी होगा। अब मैं इसको पौधे को इसमें लगा दे रही हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से धीरे से लगाना, बहुत छोटा सा पौधा है बेचारा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से दो छोटे से कलांचो लग गए हैं, देखिए देखने में से ऐसा लग रहा है मिनिएचर कलांचो है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, बहुत छोटे से पौधे हैं नाजुक से तो इनका भी स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा। इतने छोटे से पौधे भी देखिए कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक ये निकली है, एक ये निकली है और एक इधर भी छोटी सी निकली हुई है, तीन तीन निकली है, इसमें चार निकली हुई है, एक यहाँ पे और एक इधर और एक नीचे बिल्कुल छोटी सी निकली हुई है, चार ब्रांचेस निकली हुई है। और ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि उसमें इसको फूड नहीं मिल पा रहा था पूरा जितना चाहिए इसको, क्योंकि वो बड़ा पौधा है तो बड़े पौधे में ताकत ज्यादा होती है तो जो है कि मिट्टी का सारा पोषण ले ले रहा था और इन दो छोटे पौधों को नहीं मिल रहा था। और ये कटिंग ग्रो भी हो गई तब इसमें ये तेजी से बढ़ेंगे। देखा आपने कलांचो को मल्टीप्लाई करना कितना आसान है और उसको कटिंग ग्रो करना कितना आसान है और उसको लगाना भी कितना आसान है। और आप भी इस तरह से कटिंग ग्रो करिए और अभी भी फरवरी में आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, जनवरी फरवरी अच्छा टाइम होता है कटिंग ग्रो करने के लिए फ्लावर प्लांट को। और ये बहुत ये जो है कि आसानी से अप्रैल मई तक अच्छी खासी फ्लॉरिंग करते हैं। और कलांचो तो जो है कि पूरा फुल टाइम बारह मास रहता है पौधा, बस फूल इसके थोड़ा कम हो जाते हैं, वापस अपने सीजन में सर्दियों में खूब सारे फूल खिलते हैं इसमें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।